हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बेहद ही आसान और बहुत ही कम समय में बनने वाली प्रेशर कुकर चिकन की रेसिपी। अगर आपके पास भी खाना बनाने के लिए टाइम की कमी है और आप झटपट से चिकन करी बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो प्रेशर कुकर चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 800 ग्राम चिकन। मैंने इन्हें बड़े पीसेस में लिया है, आपको ये जिस साइज के पसंद हो उस साइज में आप इसे कटवा लें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप फ्रेश दही, इसके साथ ही 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1/2 से 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दे, या फिर आप चाहे तो इसे तुरंत ही कुक कर सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम की कमी नहीं है, इसलिए मैं इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे यहाँ पे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने लंबे लंबे और बारीक टुकड़े में काट लिया है। अब हम प्याज को हल्का गुलाबी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई पे रखा है। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का गुलाबी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज और अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सीटी निकाल दिया है, लेकिन रबर को मैंने रहने दिया है। इस तरह से चिकन को ढककर पकाने से चिकन जल्दी कुक होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। इसमें ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में पकने दें। तो ये देखिए, 5 मिनट तक मैंने इसे ढक के कुक किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। अगर आपको लगता है कि चिकन जो है आपका बर्तन में चिपक रहा है तो फिर आप इसे बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो यहाँ पे गलने लगे हैं। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे, नमक का हमने पहले इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ पे कम नमक का इस्तेमाल करें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिला ले और लो टू मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई कीजिए जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इसमें थोड़े से पानी की और जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। आपको जिस हिसाब से इसमें पानी की जरूरत महसूस हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो पानी डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे। पहले 1 सीटी हम हाई फ्लेम में लगाएंगे और बाकी 2 सीटी हम मीडियम फ्लेम में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कुकर में 3 सीटी लग चुकी है और हमारा कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है और इसे मैंने मीडियम पे रखा है। अब सबसे आखिर में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसे पकने देंगे। और ये हमारी झटपट प्रेशर कुकर चिकन करी बन करके तैयार है।
इसे हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए इसे एक प्लेट में निकाल लें। आप इसे रोटी पराठा या नान के साथ खाएं, या फिर आप इसे प्लेन व्हाइट राइस के साथ सर्व कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।